अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ब्राय जमात सोम, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी किताब है उर्दू की, और ये तीसरी जमात की क्लास है, यानी थ्री क्लास की। चलें तो हम इसे खोलते हैं। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नज़्म को। ये प्रोफेसर आरफ गोरी ने लिखी है और ये बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है जी। आज जो हमारी नज़्म है उसका नाम है पानी। हमारी नज़्म का क्या नाम है? पानी। चलें तो हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस नज़्म को पढ़ना शुरू करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, हम सब पानी पीते हैं, हम सब पानी पीते हैं, इससे ज़िंदा रहते हैं, इससे ज़िंदा रहते हैं, इससे दुनिया हरी भरी, इससे दुनिया हरी भरी, खेत के अंदर, खेत के अंदर फसल खड़ी, खेत के अंदर फसल खड़ी, बागों में है फूल और फल, बागों में है फूल और फल, जंगल में बरगद पीपल, ये भी एक दरख्त है और पीपल का भी एक दरख्त है, ये दोनों दरख्त हैं। गिर गिर करके बादल आए, गिर गिर कर कर बादल आए, गरजे बारिश बरसाए, गरजे बारिश बरसाए, कोहसारों पर बर्फ पड़े, कोहसारों पर बर्फ पड़े, पिघले पानी बनकर बहे, पिघले पानी बन के बहे, दरियाओं में चश्मों में, दरियाओं में चश्मों में, पानी नदी नालों में, पानी नदी नालों में, झील समंदर के अंदर, झील समंदर के अंदर, लाखों जानवरों के घर, लाखों जानवरों के घर, दुनिया में पानी ना हो, दुनिया में पानी ना हो, तो ये जहां वीराना हो, तो ये जहां वीराना हो, अल्लाह ने पानी देकर, अल्लाह ने पानी देकर, बड़ी अनायत की हम पर, बड़ी अनायत की हम पर। प्यारे बच्चों, इस नज़्म पानी में बहुत ही खूबसूरत सी बात हमें बताई है। हमें कहा गया, यहाँ में ये इस बात का खुद भी पता है कि पानी क्या है? अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है जिसे हम पीते हैं। पानी को क्या करते हैं? पीते हैं। पानी और बहुत से काम आता है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, गुसल लेते हैं, तो हम लोग किससे करते हैं ये सब काम? हम किससे करते हैं? पानी से करते हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं? ज़िंदा रहते हैं जी। पानी से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। अगर हम लोग खाना पकाएं तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है, अगर हम लोग रोटी खाएं उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है। सो इस दुनिया में जितनी भी हरी भरी हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे पहाड़, पहाड़ों पर उगी घास, इसके अलावा दरख्त बहुत ही खूबसूरत से, तो ये दरख्त क्या है? ये हरे भरे हैं। और हरे भरे किससे हैं? ये पानी की वजह से हरे भरे हैं। और अगर हम लोग खेत को देखें, जब हम गांव जाते हैं तो जब हम खेतों को देखते हैं तो वो भी जो फसल खड़ी होती है ना, तो वो भी किससे खड़ी होती है? पानी की वजह से। अगर हम फसलों को पानी ना डालेंगे तो फसल तो ख़राब हो जाएगी। फिर हम आटा कहाँ से लेंगे और खाने के लिए तरह तरह की सब्जियाँ कहाँ से लेंगे जी। इसी तरह अगर हम लोग बाग में देखें तो कितने खूबसूरत से फूल हैं, फल हैं, और कितना खूबसूरत से सब कुछ वहाँ पर लगा होता है। सो ये भी किसकी वजह से है? पानी की वजह से। जंगल में बहुत ही खूबसूरत से बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जिनमें पीपल का दरख्त तो बहुत ही मशहूर है। फिर क्या होता है? गिर गिर बादल आते हैं और गरजते हैं, यानी फिर बारिश होती है, पानी बरसता है। फिर क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जो होती है वो क्या करती है? पड़ती है। फिर बर्फ जब पिघलती है तो पानी बनकर बह जाती है। फिर क्या होता है? यही पानी दरियाओं में आता है, चश्मों में आता है, और पानी जो है वो छोटी छोटी नदियों और नालों में भी आता है, और इसी तरह झील समंदर के अंदर भी। लाखों जानदारों के लिए घर है, यानी आपने कभी देखा है जब हम लोग मछली जो खाते हैं, एक जानदार है ना जो पानी के अंदर रहता है, सो लाखों जानदारों के लिए पानी जो है वो क्या है? एक घर है। किसके अंदर? झील या समंदर के अंदर।
दुनिया में पानी ना हो, अगर इस दुनिया में पानी ना होगा तो जहान कितना वीराना सा होगा। अगर हर तरफ हरियाली ना होगी तो हम कैसे घास पर चलेंगे? नंगे पांव घास पर चलने का बहुत ही मज़ा आता है। और अल्लाह ताला ने तो पानी बहुत ही खूबसूरत सी नेमत हमें अनायत की है, सो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस नज़्म को पढ़ा और फिर हमने इसमें से बहुत सी खूबसूरत सी चीज़ों को सीखा भी। इसलिए तो कहते हैं कि पानी को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने भी अपने घर में पानी को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पानी को इस्तेमाल करना है, यानी पानी का पानी को आपने ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करना। सो अहम अल्फाज और उनके मायने हैं हरी भरी सरसब्ज। हरी भरी किसे कहते हैं? सरसब्ज को। कोहसारों किसे कहते हैं? पहाड़ों को। वीराना गैर आबाद या वीरान जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अनायत बख्शिश या अता, जो अल्लाह ताला ने हमें पानी क्या किया है? अनायत किया है, बहुत ही खूबसूरत सी सबसे बड़ी नेमत। चलें तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर बहुत ही खूबसूरत सा काम है, इसमें हम लोग बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ों को सीखेंगे। जी तो प्यारे बच्चों देखिए, अहम अल्फाज का दुरुस्त इमला सीखना, यानी हमने अहम अल्फाज के दुरुस्त इमला सीखनी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपने क्लास में इमला भी लिखनी है। अहम अल्फाज में से कोई से तीन लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, जैसे मैं यहाँ पर करूँगी पानी। पानी, पानी, बहुत बड़ी नेमत है। पानी बहुत बड़ी नेमत है। फल, मुझे आम का फल फल मुझे फलों में आम पसंद है। बाग मेरे घर में एक बाग है। आगे पढ़ाई नज्म को दुरुस्त तलफ़ुज से पढ़िए। आगे हम लोग मुतरजा जैसे सवालात के जवाब लिखे। नज्म किसके बारे में है? सभी को पता है हमने कौन सी नज्म पढ़ी है? पानी की। तो नज्म किसके बारे में है? पानी के बारे में। क्या पानी के बगैर जिंदा रहा जा सकता है? जी नहीं। पानी किसकी अनायत है? अल्लाह ताला की।
जी तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए। अब हमने क्या करना है, मिसरे मिलाने हैं और साथ ही अपने शेर को मुकम्मल करना है। सो इस दुनिया से इससे दुनिया हरी भरी, खेत के अंदर फसल खड़ी, कोहसारों पर बर्फ पड़े, पिघले पानी बन के बहे, दरियाओं में चश्मों में पानी, नदी नालों में, दुनिया में पानी ना हो तो ये जहां वीराना हो। अल्लाह ने पानी देकर बड़ी अनायत की हम पर। आगे बढ़ते हैं नज़्म के अंदर से तीन हम आवाज अल्फाज लिखें, जैसे हरी भरी। फूल फल, नदी नालों। मरकजी ख्याल, किसी भी तहरीर की वो अहम बात जो लिखने वाला पढ़ने वाले को समझाना चाहता है उसे इस तहरीर का मरकजी ख्याल कहते हैं। मरकजी ख्याल हमेशा मुख्तसर लिखा जाता है। मरकजी ख्याल मुख्तलिफ अल्फाज में लिखा जा सकता है, जैसे नज़म पानी का मरकजी ख्याल ये हो सकता है कि इस नज़म में पानी की अहमियत बयान की गई है। प्यारे बच्चों अगले सफ़े पर चलते हैं। अगले सफ़े पर हमें बहुत ही खूबसूरत सा काम है जो हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से करेंगे। इसमें हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से नज़म पानी का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखना है। चले तो हम लिखने की लिखते हैं, जैसे इस नज़्म में शायर पानी की अहमियत बताता है के पानी हर एक जानदार की जरूरत है, जिनमें जंगल जानवर खेत समंदर के जानवर और इंसान शामिल हैं। लफ्जों का खेल, दर्जल अल्फाज के तोड़ लिखिए। वीराना, वाओ बढ़िए रे अलीफ नून हे। वीराना दुनिया, ताल नून छोटिए अलिफ। पीपल, पे छोटिए पे लाम। समंदर, सीन मीम नून दाल रे समंदर। फसल, फे स्वाद
लाम फसल। छ से शुरू होने वाले कोई से पांच अल्फाज लिखें। छतरी, छोटी, छुट्टी, छुरी, छे। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही खूबसूरत सा काम है। इसम सिफ़त और इसम मौसूफ, वो इसम जो किसी दूसरे इसम की अच्छाई या बुराई जाहिर करे इसे इसम सिफ़त कहते हैं, और इसम वो इसम जिसकी अच्छाई या बुराई जाहिर की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे बहादुर लड़का, इसमें बहादुर इसम सिफ़त और लड़का मौसूफ है। दर्जल जुमलों में से इसम सिफ़त और इसम मौसूफ शनाख्त करके लिखें। आगे बढ़ते हैं, दर्जल जुमलों में से इसम सिफ़त और इसम मौसूफ शनाख्त करके लिखें। जुमले इसम सिफ़त हम लोगों ने यहाँ लिखनी है और इसम मौसूफ यहाँ पर लिखनी है। चले हम अपने काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जुमले को पढ़ेंगे जिसे हमें हेल्प मिलेगी कि हमने इसम सिफ़त और इसम मौसूफ कहाँ पर लिखनी है। जैसे ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, सो इसमें पहाड़ जो है वो इसम मौसूफ है और ऊंचा से। खालिद एक होशियार लड़का है, होशियार लड़का। काले बादल छा रहे हैं, काले बादल। ग्लास में गरम दूध है, गरम दूध। मेरा घर साफ सुथरा है, साफ सुथरा। घर। यानी बच्चों आगे बढ़ते हैं, दरअसल अल्फाज के मुतजात लिखिए। अल्फाज जिंदा, मुर्दा, खड़ी, बैठी, सर्दी, गर्मी, वीराना, आबाद, पानी, आग। प्यारे बच्चों पेज नंबर 45 मुकम्मल होने के बाद अब हम अगले सफ़े पर, अगले सफ़े पर हमारा जो काम है वो है सुनना और बोलना। अगर पानी ना होता तो क्या होता, आपस में बातचीत कीजिए। लिखाई, दरअसल नज़्म को पढ़कर पानी बचाने के तरीक़ों पर पैराग्राफ लिखें। ये नज़्म नज़ीर फातिमा ने लिखी है। चलिए हम इस नज़्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ते हैं। आओ आओ पानी बचाएं, इसको ना ऐसे ही बहाएं, पानी लेने जब भी जाएं नल को बंद करके ही आएं, दान साफ जो करने जाएं फजूल में ना पानी को बहाएं, नहाने को जब भी जाएं बाल्टी को हरगिज़ ना भुलाएं, पौधों को जब पानी लगाएं पाइप नहीं फुवारा लाएं। यानी जब भी हमने पौधों को पानी लगाना है तो पाइप से पानी ज़ाया हो जाता है, सो हमें फुवारा लगाना चाहिए। पानी नेमत है सबको बताएं, इसकी बचत का सबक पढ़ाएं, आओ आओ पानी बचाएं, इसको ना ऐसे ही बहाएं। जी तो प्यारे बच्चों पढ़ने के बाद अब हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात लिखेंगे कि पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत
है। हमें और हर जानदार को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हमें पानी को फजूल में बहाना नहीं चाहिए और जब भी पानी का इस्तेमाल करें मसलन नहाने मुंह हाथ धोने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए और जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो हमें चाहिए कि हम नल लाजमी बंद करें। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सा करके हमने अपने अल्फाज में इससे लिखा। सो आप भी अपने अल्फाज में कुछ लाइंस बनाकर इसकी लिख सकते हैं। नीचे जो हमारा काम है वो है खुशखती। सो खुशखत लिखिए। हमने क्या करना है, यहाँ पर खुशखत लिखना है। तो हमारे पास जो खुशखत लिखने के लिए लाइन है वो है, हम सब पानी पीते हैं इससे ज़िंदा रहते हैं। सो हम सब पानी पीते हैं इससे जिंदा रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी नज़्म पानी को पढ़ा और इसमें से बहुत सी चीज़ों को सीखा और बहुत कुछ लिखा भी। और प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह नज़्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ना और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी मश्क को हल करना है। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।